कर्नाटक के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी अब मामला हिजाब को लेकर गर्माया हुआ है। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बाबा बालमुकुंदाचार्य को लेकर ये मामला गर्माया, जिन्होंने हिजाब को लेकर कुछ कह दिया, हिजाब पर पाबंदी जैसे मामले को लेकर। यहाँ पर एक महिला है हमारे साथ की जो मुस्लिम समुदाय से आती है और वो हिजाब की पाबंदी पर मांग करके बैठी हुई है। आज भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनके विधानसभा सांगानेर में ये प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। इनसे बात करेंगे क्या मुद्दा है, क्योंकि जो मुद्दा है हिजाब को लेकर, ये आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ऐसा क्यों? मेरी तीन मांगे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए, सेकंड CAA जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और थर्ड UCC जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, लेकिन जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन के जाते हैं तो आप वहाँ नॉलेज लेने जाते हैं, ना कि आप धर्म का प्रचार या धर्म सीखने जाते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो यूनिफॉर्म कोड दिया जाता है, आपको वही फॉलो करना चाहिए। आपकी समाज मुस्लिम समुदाय से आप भी आते हैं, आज आप हिजाब को लेकर पाबंदी को लेकर बैठे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या आपकी समाज आपके ऊपर उंगली नहीं उठाती इस चीज़ को लेकर? उठाएगी, और पहले भी उठा चुकी है, इसके बाद भी उठाएगी। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि हमारा देश धर्म से नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स ग्रांट करता है, मैं उसी पे लड़ रही हूँ। मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो लड़ नहीं रही, और अगर सच के लिए लड़ने से अगर अपोजिशन ऑफ़ कोर्स होंगे तो मुझे वो मंजूर है और मैं आगे भी लड़ती रहूँगी। हवा महल विधानसभा के अंदर जब बाबा बालमुकुंदाचार्य इन्वाइट किए गए थे, वहाँ पर कार्यक्रम में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर बोला था कि हिजाब पर पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी इसके लिए कि एक ही स्कूल के अंदर दो ड्रेस क्यों? तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि ये गलत है कहीं कहीं? क्योंकि जो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, उसमें ड्रेस कोड वैसे ही होता है, गवर्नमेंट ने लागू की हुई चीज़ें हैं। तो उसको लेकर आप एक तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मगर आपका समाज इस चीज़ को लेकर, आप गुजरात से यहाँ पर आए हैं, तो आपको डर नहीं लगता इस चीज़ को लेकर? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर मैंने हमेशा से मेरा ये रहा है कि मैं जीऊँ तो भी देश के लिए और मरूँ तो भी देश के लिए, और मुझसे जो भी होगा इसके बाद भी मेरी मूवमेंट स्टॉप नहीं रहेगी। राजस्थान में अगर ये हो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद मैं हमारे देश के हर एक स्टेट में जाके वो सारे मूवमेंट्स कंटिन्यू करूँगी, और मेरी आखिरी सांस तक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, जो हमें ग्रांट देता है, हमारा हक है, वो मैं वो लेकर रहूँगी और हमारे देश के लिए काम आऊँगी। आपको तिरंगा गर्ल भी कहा जाता है, आपने लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराया है, मगर मुस्लिम समुदाय के होने के बाद भी आप उसी चीज़ को उन्हीं के खिलाफ क्यों जा? क्योंकि मैं धर्म मेरे लिए बाद में आता है, सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश है, मेरी देशभक्ति मेरे लिए सब कुछ है, और धर्म सेकंड प्रायोरिटी है। क्योंकि आप देश के लिए अगर आप यहाँ पे बॉर्न हुए हो, आप यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का पी रहे हो, और गद्दारी यहाँ से भी बहुत लोग करते हैं, बट वो चीज़ मुझसे कभी नहीं हुई और ना कभी होगी। मैं अपोज़ करेंगे, मुस्लिम लोग मेरा अपोज़ करते, लाल चौक के टाइम भी किया था, 370 के टाइम भी किया था, इस बार भी करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सच्चाई के रास्ते पे जा रही हूँ और मैं देश हित के लिए काम कर रही हूँ, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पूरे देश के लिए। यहाँ इनके साथ इनके पिताजी भी बैठे, जिनसे बात करेंगे, और मेरे पीछे आप लगातार और भी दिखा रहा हूँ, ये गुजरात से है इनके साथ, यहाँ पर जो महिलाएं और भी साथ में आई हुई है वो गुजरात से हैं, और यहाँ पर प्रकाश जी भी बैठे हुए हैं जो कि सांगानेर विधानसभा से ही आते हैं, जो इनके सपोर्टेड, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इनके पिताजी इनसे बात करेंगे। आपकी बेटी अंजुम लगातार आप ही के माहौल को लेकर, अंजुम आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठा रही है, क्या आपके जो समुदाय हैं उनके लोग आपको डराते धमकाते नहीं हैं इस तरीके से? नहीं, पहले डराते थे, लाल चौक के टाइम पे डराया, फिर 370 के टाइम पे डराया, और डराएंगे और भी डराएंगे, पर वो जो मौत तो ऊपर वाले के हाथ में लिखी है, नीचे वाला क्या कर लेगा, उसको तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगा जी। हाँ तंजीम जी, मैं एक बात और लास्ट पूछना चाहूँगा आपसे, आपने ये क्यों सोचा कि ये बैन होना चाहिए, जबकि आपके उसमें तो बुरखा पहनना अलाउ है? ये ह्यूमन राइट्स का भी मामला हो जाता है, क्योंकि आप किसी महिला को ज़बरदस्ती उस पर्दे में नहीं डाल सकते। लेकिन कहीं मुस्लिम में दो चीज़ें भी चलती है कि कोई अपने मन से पहनता है और कोई ज़बरदस्ती पहनता है,
मन से पहनता हो या ज़बरदस्ती, वो उनके घर तक या तो उनके कम्युनिटी तक सीमित रखना चाहिए, ना कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वहाँ पर जाके वो आप वहाँ खींच के जाओ कि हमें यहाँ भी पहनना है, वो गलत चीज़ है। तो देखा किस तरीके से हिजाब को लेकर, पाबंदियों को लेकर के हिजाब बैन होना चाहिए, उसी को लेकर यहाँ पर तंजीम लगातार प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठी है। क्या इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, मगर यहाँ पर लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर, इनकी तीन मांगे हैं उनको लेकर ये यहाँ पर धरना देकर बैठी है। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा से आते हैं, उन्हीं के एरिए में ये धरने पर बैठी हुई है। तो लगातार देखते रहे महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ जयपुर।